नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस नाम सत्संग में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। अब हम नाम सत्संग का आरंभ करेंगे। आज के सत्संग में हम प्रधानता से नाम जप साधना से संबंधित अनुभूतियों का विश्लेषण करेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जाधव जी हमें नाम जप के संदर्भ में मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नाम जप करने का प्रयास करेंगे। इस नाम सत्संग के संदर्भ में अभिप्राय लिखते समय शैलजा अवसरे जी ने बताया है कि उन्हें सद्गुरु नंद कुमार जाधव जी के मार्गदर्शन से बहुत लाभ हुआ और बहुत सारी शंकाओं का समाधान मिला, इसके लिए कृतज्ञता। यह भी एक विशेष अनुभूति है, संतों के मार्गदर्शन से मन की अनेक शंकाओं का समाधान अपने आप ही हो जाता है, इसलिए आपको ये अनुभूति आ रही है। इसी कारण से संतों के सत्संग, उनका सानिध्य और उनके मार्गदर्शन का महत्व बताया गया है। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जाधव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। जी। मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने इष्ट देवता अथवा उपास्य देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज के नामजप सत्संग में सर्वप्रथम हम अनुभूतियों का शास्त्र समझ कर लेंगे। हम नामजप के कारण आने वाले आध्यात्मिक अनुभव अर्थात अनुभूतियों का शास्त्र समझ कर लेंगे। निष्काम साधना करने पर ईश्वर हमारी साधना योग्य पद्धति से चल रही है यह बताने के लिए आध्यात्मिक स्तर के अनुभव देते हैं। इन अनुभवों को आध्यात्मिक परिभाषा में अनुभूति कहते हैं। अनुभूतियां आने के कारण हमारी साधना पर श्रद्धा बढ़ती है और आगे की साधना भी श्रद्धापूर्वक होती है। श्रद्धा बढ़ने के उपरांत साधना के अगले चरण में अनुभूतियों की आवश्यकता नहीं होती, तब आनंद की अवस्था यही अनुभूति का प्रमाण होता है। विगत 30 दिनों से आप में से अनेक दर्शकों ने नाम साधना आरंभ की है। इस साधना के कारण आप में से कुछ दर्शकों ने आनंद की अनुभूति भी ली है। आत्मा के गुण होते हैं सत, चित और आनंद, इसलिए आत्मा की अनुभूति यानि आनंद की अनुभूति। अनुभूति के दो प्रकार होते हैं, एक है कनिष्ठ प्रकार की अनुभूति और दूसरी श्रेष्ठ प्रकार की अनुभूति। कनिष्ठ अनुभूति पंच सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि इनसे संबंधित होती है। उदाहरण के लिए अगरबत्ती न लगाने के बाद भी सुगंध आना, और श्रेष्ठ प्रकार की अनुभूति यानी उच्च स्तर का आनंद अथवा शांति अनुभव होना। इसलिए मैं बहुत दिनों से नाम जप कर रहा हूँ और मुझे कुछ भी अनुभूति नहीं आई,
ऐसा नकारात्मक विचार मन में ना रखें। नामजप के द्वारा प्राप्त आनंद यही अनुभूति का प्रमाण होता है। सतगुरु जादव जी, जो अनुभूतियाँ आती हैं उसका विश्लेषण कैसे करें? जी, इसका विश्लेषण हम विस्तार से देखते हैं। अनुभव वो है जो पंच ज्ञानेंद्रियों मन एवं बुद्धि के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। उदाहरण के लिए अपने प्रिय पकवान खाने का अनुभव, अपने बच्चों के लिए प्रेम का अनुभव, अपनी बुद्धि द्वारा कार्यालय में समस्या को सुलझाना आदि उदाहरण अनुभव की श्रेणी में आते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय मन एवं बुद्धि की समझ से जो परे हैं उस अनुभव को अनुभूति कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति पंच ज्ञानेंद्रिय मन एवं बुद्धि से ऐसी घटना का अनुभव करता है जो मानव जाति की बुद्धि से परे हैं, वह भी अनुभूति ही होती है। हम पंच ज्ञानेंद्रियों मन एवं बुद्धि द्वारा स्थूल जगत का अनुभव करते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय मन एवं बुद्धि के समान ही हम में पंच सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, एक सूक्ष्म मन और एक सूक्ष्म बुद्धि भी होती है, जो विकसित अथवा सक्रिय होने पर हमें सूक्ष्म जगत को अनुभव करने में सहायता करती है। सूक्ष्म जगत के इस अनुभव को अनुभूति कहते हैं। हम में से कई दर्शकों ने ऐसा अनुभव किया होगा कि नामजप या पूजा के समय बिना अगरबत्ती फूल के हमें सुगंध आई होगी, परंतु उचित जानकारी न होने के कारण हमने उसे अनदेखा किया होगा। अनुभूति को सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों रस, स्पर्श, शब्द एवं रूप तथा सूक्ष्म मन एवं सूक्ष्म बुद्धि द्वारा भी अनुभव किया जा सकता है। हमें जो यह अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है उसे ही छठी इंद्रिय अर्थात सिक्स्थ सेंस कहते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, यदि कोई व्यक्ति पंच ज्ञानेंद्रियों मन एवं बुद्धि द्वारा किसी घटना का अनुभव कर सकता है, परंतु उसका कारण मानव जाति की स्थूल बुद्धि से परे होता है, तब भी वह एक अनुभूति ही होती है। जी, अनुभूतियों का विश्लेषण तो समझ में आया, परंतु अनुभूतियों का महत्व क्या होता है? हाँ, श्रद्धा बढ़ने के लिए अनुभूति का बहुत ही महत्व होता है। जी। ये अब हम विस्तार से समझ कर लेंगे। अध्यात्म शास्त्र के ज्ञान का शाब्दिक महत्व मात्र 2% है, यद्यपि 98% महत्व उन शब्दों को अनुभव करने में है। जब व्यक्ति अध्यात्म के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार योग्य साधना करता है, तब वह आध्यात्मिक प्रगति करता है एवं उसे अनुभूति होती है। अनुभूतियाँ यह सुनिश्चित करती है कि हमने योग्य साधना को अपनाया है एवं आध्यात्मिक प्रगति करने के कारण हम उत्तरोत्तर उच्च अनुभूतियों को प्राप्त कर रहे हैं। ये मील के पत्थर के रूप में कार्य करती हैं एवं हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमें प्रोत्साहित करती हैं। व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा के प्राथमिक चरणों में यदि उसे अन्य कई व्यक्तियों द्वारा बताई अनुभूतियाँ
सुनने को मिलती है, तब अनुभूतियों की विविधता एवं गहनता पूर्णतया असाधारण हो सकती है। व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि ईश्वर, जो प्रत्येक व्यक्ति में श्रद्धा निर्माण करने के लिए अद्वितीय अनुभूतियाँ प्रदान करते हैं, ईश्वर की तुलना में वह कितना नगण्य है। परिणाम स्वरूप ईश्वर की क्षमता से तुलना करने के उपरांत स्वयं की क्षमताओं के विषय में व्यक्ति का अहम क्षीण होने लगता है। अहम की न्यूनता आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि अनुभूतियों का महत्व आप सभी के समझ में आया होगा। जी, समझ में आया। तो क्या हम नाम जप से ईश्वर की अनुभूति भी ले सकते हैं? क्यों नहीं, अवश्य ले सकते हैं। इसे भी हम विस्तार से समझ कर लेते हैं। जी। साधना के कारण हमें ईश्वर की अनुभूति पंच महाभूतों द्वारा आती है, पृथ्वी, आप अर्थात जल, तेज, वायु और आकाश। यह पंच महाभूत हैं और इनसे संबंधित अनुभूति के प्रकार अलग अलग हैं। जैसे पृथ्वी तत्व की अनुभूति सूक्ष्म गंध आना है, क्योंकि पृथ्वी को मिट्टी की गंध होती है। आप अर्थात जल तत्व की अनुभूति स्वाद होती है, क्योंकि मुंह में लसिका होती है जो स्वाद का अनुभव देती है। वायु तत्व की अनुभूति सूक्ष्म स्पर्श होती है, क्योंकि वायु का त्वचा से स्पर्श होता है। तेज तत्व की अनुभूति सूक्ष्म प्रकाश दिखना है, क्योंकि तेज तत्व रूपी सूर्य प्रकाश देता है। आकाश तत्व की अनुभूति सूक्ष्म नाद है, क्योंकि आकाशवाणी नाद के द्वारा सुनाई देती है। इस शास्त्र के अनुसार प्रकाश दिखना यह तेज तत्व की अनुभूति है। यदि नामजप के समय भगवान के प्रत्यक्ष या आंशिक रूप में दर्शन होते हैं, अथवा उनके वस्त्र, शस्त्र, रंग इत्यादि के दर्शन होते हैं, तो वह भी तेज तत्व की अनुभूति होती है। जी, दर्शकों ने प्रश्न भेजा है। हाँ? हमारी दर्शक संगीता परमार जी बताती हैं कि नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा देखते वक्त छायाचित्र बीच बीच में ग्रे रंग का दिख रहा था। अरे वाह, तो इसका कारण क्या होगा? जी, बताता हूँ। ग्रे रंग यह कृष्ण धवल रंग जैसा होता है। यह तेज तत्व की अनुभूति है। भगवान श्री कृष्ण जी का रंग भी कृष्ण धवल है ना, इसलिए आपको यह अनुभूति आई। अच्छी अनुभूति है। जी, यवतमाल महाराष्ट्र से भी प्रश्न है। दर्शक रजनी पिल्लारे जी बताती हैं कि नामजप करते समय श्री कृष्ण के पैर मुझे नजर आए। अरे वाह, अच्छी अनुभूति है। अच्छी अनुभूति है ये भी। हाँ जी। ईश्वर के रूप का दर्शन अथवा प्रकाश दिखना यह तेज तत्व की अनुभूति होती है। साधना में उन्नति होने पर भगवान के साक्षात रूप के भी दर्शन होते हैं। आपका भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति भाव होने के कारण छायाचित्र में उनके चरण न होते हुए भी आपको उनके दर्शन हुए। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार शब्द के साथ उसका रूप, रस, गंध और शक्ति एकत्रित होती है। जैसे अग्नि शब्द कहने पर तुरंत
प्रज्वलित अग्नि का रूप हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार से देवता का नाम जब हम लेते हैं तब वहाँ साक्षात देवता का रूप, रस, गंध तथा शक्ति आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने पर वे साक्षात वहाँ उपस्थित होते हैं। यद्यपि हमारे पास सूक्ष्म दृष्टि न होने के कारण हमें वे दिखाई नहीं देते। साधना से सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय जागृत होती है, इसके कारण यह अनुभूति आई। हमारे दर्शक भुवनेश जी हैं गाजियाबाद से, वे लिखते हैं कि मेरा प्रश्न है, मुझे नाम जप करते हुए शिवलिंग दिखाई देते हैं और वो मुझे बेलपत्रों के बीच में दिखाई देते हैं जी, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। जी जी बताता हूँ, यह तेज तत्व की अनुभूति है। साधना में उन्नति होने पर भगवान के साक्षात रूप के भी दर्शन होते हैं। बिल्वपत्र में शिव तत्व होता है। बिल्वपत्र के साथ शिवजी का दर्शन, यह आध्यात्मिक स्तर की अनुभूति है जी। और सुमंत वैद्य जी हैं, उन्होंने बताया है कि उन्हें जप करते समय त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन हो गया और कुछ समय के बाद त्रिशूल का दर्शन हुआ और प्रकाश भी दिखा। अरे वाह शिप्रा जी, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अनुभूति आ रही है ना जी। त्र्यंबकेश्वर भगवान ये शिवजी के रूप है, त्रिशूल ये भगवान शिवजी का शस्त्र है। भगवान के रूप का, शस्त्र का तथा प्रकाश अर्थात आभा का दर्शन होना, यह तेज तत्व की अनुभूति है। आप सभी अल्प समय में नाम जप से भगवत दर्शन की अनुभूति ले रहे हैं, यह सुनकर बहुत आनंद हो रहा है जी। रमेश शेठ जी हैं, उन्होंने बताया है कि नाम जप शुरू था तब धूप की सुगंध आ रही थी। हाँ, ये पृथ्वी तत्व की अनुभूति है। अच्छा। इसे भी विस्तार से समझ कर लेते हैं जी। धूप की गंध आना यह पृथ्वी तत्व की अनुभूति है। जहाँ सुगंध होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ दुर्गंध होती है वहाँ अनिष्ट शक्तियों का वास होता है। इसीलिए पूजा के समय अथवा वास्तु शुद्धि के लिए हम धूप जलाकर अनिष्ट शक्तियों को दूर करते हैं और दैवी शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। देवताओं की दिव्य देह से सुगंध आती है, इसलिए जहाँ देवता होते हैं वहाँ सुगंध होती है। नाम जप के कारण प्रत्यक्ष देवता का वास हमारे पास होता है, इसलिए इस प्रकार की अनुभूतियाँ आती हैं। ये सारी अनुभूतियाँ सुनने के उपरांत ध्यान में आएगा कि नाम जप का शास्त्र केवल बौद्धिक स्तर पर समझने का विषय नहीं, अपितु प्रत्यक्ष नाम जप की कृति कर अनुभूति लेने का विषय है। इसलिए अब हम नाम जप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नाम जप करते समय भगवान श्री कृष्ण जी के चित्र की ओर देखकर मन का आलंबन यानि मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प होती है और नाम जप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद मन को कैसे लगा इसका भी हम
स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्राजी हमें देगी। नमस्कार। अब हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप करेंगे। उसके लिए यहाँ हम ऑडियो लगाएंगे। इस ऑडियो की विशेषता यह है कि यह सनातन संस्था की संत सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी द्वारा ध्वनि मुद्रित है। यदि आपको अन्य कोई देवता का नाम जप करना हो तो आप ऑडियो म्यूट करके उस समय नाम जप कर सकते हैं। नाम जप का समय पूर्ण होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। संतों की प्रत्यक्ष वंदनीय उपस्थिति में और संतों की वाणी में किए नाम जप के साथ ही हम सामूहिक नाम जप करने वाले हैं। तो चलिए अब प्रत्यक्ष नाम जप का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नामजप का समय यहाँ समाप्त होता है। आशा है आज भी आपको आध्यात्मिक अनुभव अवश्य आए होंगे। यदि आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा हो तो वो भी आप हमें अवश्य भेजिए। आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न, अनुभूतियाँ, शंकाएँ इत्यादि, इनका विश्लेषण हम आगे के सत्संगों में अवश्य करते रहेंगे। जिस प्रकार यह नाम सत्संग है, उसी प्रकार सुबह 11:15 से दोपहर 12 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग यह कार्यक्रम रहता है। तत्पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होता है। शाम को 4 बजे से 4:45 बजे तक इसी नाम सत्संग का पुनः प्रसारण होता है और रात को 8 बजे धर्म संवाद यह कार्यक्रम होता है, जिसका अगले दिन दोपहर 1 बजे पुनः प्रसारण होता है। ईश्वर की कृपा से इन सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों का लाभ लेने हेतु आप भी अपने मित्रजनों और परिवारजनों को अवश्य प्रेरित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह नाम सत्संग यही संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।